हेलो हाय नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं एक सेट आया है मेरे पास सामी का, तो चार्जिंग प्रॉब्लम है 9A, तो 9A का चार्जिंग डायग्राम शायद थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्योंकि मेरे को भी एक बार नहीं बनाया है। तो ये चार्जर डाटा जो है, चार्जर डाटा दो है, वो ही चार्जिंग सेक्शन है। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करते हुए मैं इसको देख लेता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक इसका पॉइंट निकला है। ओके ठीक है, हमारा जो चार्जिंग डायग्राम है, सबसे पहले हम देखिए यहाँ तक कहाँ इसका कनेक्टर, ये डिस्प्ले कनेक्टर में ही आता है, ये LCD कनेक्टर है, साथ में इसका चार्जिंग कनेक्टर पता भी नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, ये इनपुट होता है USB के माध्यम से। इनपुट होने के बाद यहाँ से होकर यहाँ तक आता है और ये चार्जिंग IC दिया गया है, एक छोटा सा। ये बड़ा चार्जिंग IC काम करता है और ये फ्यूज के लिए एक छोटा सा IC दिया हुआ है, साथ में यहाँ इसको USB काम भी हो सकता है। तो यहाँ होते हुए ये वाला जो हमारा BQIC है, BQIC से होते हुए यहाँ निकलता है। ठीक है, यहाँ निकलने के बाद ये वाला जो भी बस USB इन है, वो फिर बैटरी में आता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से होते हुए फिर ये बैटरी पॉजिटिव में आता है। ठीक है, और ये वाला जो लाइन है, ये वाला ID लाइन एक है और एक लाइन बैटरी ऑन लाइन एक है। ठीक है, ये CPU में मिलता है और ये वाला बैटरी ID लाइन है। ID लाइन कहाँ पर जाके देखिए, बैटरी का ID लाइन, ठीक है, ID लाइन। ओके, ये इसको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये बैटरी ID लाइन ये CPU में मिला हुआ है और दो USB DP DMDP भी ये डायरेक्ट CPU से ही आता है। ओके, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पावर IC में मिला है जाके, ताकि हम बैटरी ऑन, जब हम बैटरी लगाने के बाद पावर की को दबाते हैं तो ये सिग्नल दे के पावर IC सिग्नल दे के ये ऑन होता है। ठीक है, तो ये देखना था मेरे को। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर दिया इसीलिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।